में ऐसा पत्थर लाया गया है जैसे अभी पत्थर को देखिए जी जी डायमंड का पत्थर। अच्छा इसको हम ग्राइंडिंग जो मशीन होती है उसमें देखा गया था, ग्राइंडिंग से कटिंग डायमंड से भी हो सकता है। 1 लाख कंपनी दावा करती है कि 1 लाख किलो इसको पिसाई कीजिए और पत्थर को चेंज कर दीजिए, गेहूँ और डालिए ताकि प्रोडक्शन आपको सामने दिखे। मशीन में एक तूफान अभी देखेंगे कि ये नया मॉडल आया और सबको कहा था पूरा मात देने वाला। देखिए 29 सेकंड होगा, थोड़ा दिखाइएगा नीतीश जी, 29 सेकंड होगा लगातार। अभी एक मिनट हम लोग चलाएंगे, देखिए 940 ग्राम देख सकते हैं, 940 ग्राम। अभी इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे का ये प्रोडक्शन आ जाएगा 0.94 × 60 56 किलो का एवरेज आपके सामने। बिजनेस के तलाश में है, ये वीडियो काफी खास होने वाली है। फाइनली मैं आ गया गोरखपुर से एक नए बिजनेस के तलाश में, बिहार में हाजीपुर। और आप लोग देखे होंगे सबसे पहले चला था पत्थर वाली आटा चक्की, वो चला, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड आया तो पल्वलाइजर आ गया, जो कहे तो पत्थर वाला आटा चक्की को बिल्कुल मात दे दिया था। और देखेंगे मैं थोड़ा सा दिखा दूं इस तरीके से आटा चक्की से आप लोग बिल्कुल रूबरू होंगे। और इसमें अगर बात करें तो बहुत सारे मॉडल्स आए, पंजाब मॉडल से लेके पता नहीं क्या क्या आया। उसके बाद देखिए आज मैं जो आपको वीडियो लेके आया हूँ बिल्कुल हट के कंपटीशन से बाहर, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंड करने वाला ये बिजनेस। मैं बात करने वाला हूँ डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की के बारे में, और ये आपको पहली बार अपने पूर्वांचल यानी बिहार में देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट है। आज इसको हम लोग लाइव चला करके दिखाएंगे और कितना प्रोडक्शन होता है। सबसे बड़ी बात क्या आप देखते होंगे जब आटा चक्की होता है शॉर्टेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आज क्लियर करेंगे आपके सामने लाइव। तो चलिए ज्यादा जानकारी से बातचीत करते हैं राजहंस इंडस्ट्रीज। नमस्ते भैया, और जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मुझे पता चला कि आप बिल्कुल यूनिक मशीन लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मशीन यूनिक नहीं, जीरो मेंटेनेंस वाला मशीन है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात है कि एक ऐसा मशीन है जी, आप अपने लड़का को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाइएगा, लेकिन हम इस मशीन को ऐसा बना दिए है कि डॉक्टर भी है इंजीनियर भी है। अच्छा, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि मसाला ही पिसाई कर देगा और गेहूं ही पिसाई कर देगा। अच्छा, मसाला में सारा कुछ कर देगा ना, ये तो धनिया का डेमो करके दिखाएंगे। अच्छा, धनिया का डेमो कर, क्या बात है, धनिया पीस दिया सब पीस दिया। हाँ ये तो बात है, धनिया पीस दिया तो सब पीस दिया। तो क्या ये बाकी मशीनों से हट के, अभी देखिए खास करके पल्वलाइजर बड़ा ट्रेंड पर चला, लेकिन उसमें बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होगी, तो इसमें क्या बेहतरीन होने वाला है? इसमें बेहतरीन नहीं होने, जैसे आपने बात किया ना पल्वलाइजर का जी, तो पल्वलाइजर में भी जाली मेंटेन है। हाँ। और बिगड़ का मेंटेनेंस। अच्छा, अच्छा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसमें ऐसा पत्थर लाया गया है जैसे अभी पत्थर को देखिए जी जी, डायमंड का पत्थर। अच्छा, इसको हम ग्राइंडिंग जो मशीन होती है उसमें देखा गया था, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग व्हील वाला जो होता है ना। अच्छा अच्छा। इससे कटिंग डायमंड से भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसमें टूंगने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। और 1 लाख कंपनी दावा करती है कि 1 लाख किलो इसको पिसाई कीजिए और पत्थर को चेंज कर दीजिए। क्या बात, लेकिन हम 90,000 ही इसको मान के चलते हैं। 90,000 मान के चलते हैं। 90,000 किलो मजबूती भरपूर होने वाली है। मजबूत है, ग्रैंड देखिए ना, एकदम लग रहा है कि लोहा से भी रगड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। ये लोहा से रगड़ेंगे तब ये कोई दिक्कत नहीं, आपको पटकिए झटकिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही तरीके हैं, इसीलिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बात करते हैं बहुत सारे एक प्रॉब्लम आता शॉर्टेज का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए आपको बताते हैं, हम पल्वलाइजर भी बेचते हैं जी जी, और ये भी मशीन बेच रहे हैं। अच्छा, और पत्थर वाला ही बेचते हैं। अच्छा, पत्थर वाला में शॉर्टेज है 1 क्विंटल पे आपका 1 से 1.5 किलो, 1 क्विंटल पे 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो। अच्छा, पल्वलाइजर का शॉर्टेज है 1 क्विंटल पे 3 से 4 किलो। अच्छा, 3 से 4 किलो। अच्छा, और इस मशीन का शॉर्टेज है 1 क्विंटल में 1 किलो से अंदर। अच्छा, तो शॉर्टेज भी इसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का बात करेंगे सर तो 45 किलो प्लस मान के चलिए, 4 HP का मोटर लगा हुआ है, 14 इंची का मशीन है, कपड़े का मोटर लगा हुआ है। अच्छा, 45 और 50 भी पार कर जाएगा सर जी। अच्छा, तो आपको हम लाइव डेमो स्टॉप वॉच के द्वारा आपको सामने दिखाया जाएगा इस तरीके से। और भैया इंस्टॉलेशन में क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या सही चलाने में? कुछ भी नहीं, आपको लाइव हम चालू करेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ इंस्टॉलेशन का बात कर रहे हैं जी, तो एक ऐसा मशीन हम लोग बनवाए हैं जी जी, कि इसका फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन पहिए में देखिए लगा हुआ है, मशीन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई इसको दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वाइब्रेट नहीं करेगा जब मशीन पे आगे पीछे रहेगा? आपको चालू करके दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा वाइब्रेट करता है कि नहीं करता। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और चालू जब लाइव डेमो करना ही है तो क्या देखे सोचना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, लाइव किया जाए, लाइव डेमो करेंगे सर, प्रोडक्शन निकाल के दिखाएंगे जी जी। पहले धनिया पीस लेंगे जी जी, फिर अब गेहूं पीसेंगे जी। तो दोस्तों मशीन चालू कर दिया जी, हम यहाँ से इसको हल्का एक पसरेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक, हल्का पस रहा है जी जी बिल्कुल। आपको लाइव देखने को ये सारी चीजें मिल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हल्का का जैसा कि भैया टाइट कर रहे हैं, अच्छा लगा सकते हैं जी। ये क्या भैया,
ऊपर ऐसे करने वाला है, माल गिराने वाला। अच्छा अच्छा, माल गिरेगा, जैसे ज्यादा गिराना कम गिराना है, इससे हम लोग रोटेट कर सकते हैं। सेटिंग कर रहते हैं? हाँ सेटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए सेटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा है, एक बहुत मुझे लगता है बहुत छोटी मशीन है, और बहुत अच्छे तरीके से तगड़े बेस पे प्रोडक्शन करेगी। अभी आपको लाइव दिखाएंगे बेहतरीन लाजवाब तरीके से, और शेड करके इस तरीके से गेहूं धीरे धीरे आ रहा है आपको लाइव, हम प्रोडक्शन दिखाएंगे। लाइव डेमो करके दिखाते हैं जी। ये केमिया के में कितना प्रोसेस करता है। अच्छा, वही देख लेते हैं। ठीक है ना? हां ठीक, सामने चलेंगे तो स्टॉप वॉच भी चालू करेंगे। चलिए स्टॉप वॉच चालू कीजिए जी। अब देखिए, अब स्टॉप वॉच देखिए, स्टॉप वॉच देखिए आपके सामने चालू हो गया है। और देखिए यहाँ पे देखो पॉलिथीन में लगा रही, देखिए आपके सामने आपको देखने को मिल पा रहा। और हम लोग एक मिनट चलाएंगे और देखेंगे आपके सामने एक मिनट कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। गेहूँ खत्म हो रहा है, इसमें गेहूँ डाल दीजिए ताकि लगातार, अभी देख सकते हैं यहाँ पर 15 सेकंड हो चुका, 16 सेकंड, और गेहूँ और डालिए ताकि प्रोडक्शन आपको सामने दिखाया जाए। क्योंकि ये मशीन देखिए, नहीं मशीन में एक तूफान है, मशीन में एक तूफान। अभी देखेंगे कि ये नया मॉडल आया और सबको कहते थे पूरा मात देने वाला। देखिए 29 सेकंड हो गए, थोड़ा दिखाइएगा नीतीश जी, 29 सेकंड हो गए लगातार। अभी एक मिनट हम लोग चलाएंगे और उसके बाद बाकायदा ये जो देख रहे हैं इसमें वजन किया जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने वजन किया जाएगा इसके बाद जी। अभी कितना हुआ? अभी 44 हुआ जी। मशीन की गारंटी वारंटी? एक साल की गारंटी वारंटी आपको सामने। देखिए प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और इस तरीके से देखेंगे आपको 55, 56, 57, 58, 59, 60 हो गए बंद कीजिए। देखिए बंद कर दिया गया। और इसका वजन कितना होगा करने वाले हैं जी, देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से जो पॉलिथीन में इसका वजन किया जाएगा। और इसको चालू कीजिए मशीन को, अभी थोड़ा जीरो जीरो दिखा दीजिएगा ताकि आपको एक अंदाजा लग सके अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए देखिए टाटा ये जीरो हो गया। और वजन देखिए 940 ग्राम, देख सकते हैं 940 ग्राम। अभी इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घंटे का ये प्रोडक्शन आ जाएगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए 0.94 गुणे 60, 56 किलो का एवरेज आपके सामने आया है। मतलब एक घंटे करेंगे तब 56 किलो ये आएगा, 60 किलो निकालेगा जी जी। लोड देंगे ना तब, और थोड़ा सा गेहूँ भी गड़बड़ था। अच्छा ठीक ना, ठीक ठीक। सर आपको एक कैबिनेट पीसे हैं जी, तो कितना किलो निकाला है? 9.4, 940 ग्राम। तो एक घंटे में कितना हो गया? 56 किलो। 56 किलो 4 HP के सिंगल फेज के मोटर पे अगर 50 किलो पार कर रहा है तो इससे बढ़िया मशीन अभी तक मार्केट में नहीं है। बहुत सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और बात करते हैं सब रेट की, रेट का सर 14 इंची में कोई लेगा ठीक, विदाउट मोटर रेट है 35,000 रुपए एक रेट। केवल 35,000? क्या बात है, 35,000। और वही 16 इंची में कोई लेगा तो एक रेट है उसको 54,000 रुपए, 54,000 मिलने वाला। अच्छा ठीक है, विदाउट मोटर। अच्छा बात करते हैं भैया सर्विस किस तरीके से होने वाला, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें सर्विस का कोई टेंशन ही नहीं है जी जी। हमारे जो पत्थर वाले जो आटा चक्की लोग लेके जाते हैं वो क्या सर्विस लेते हैं? अच्छा अच्छा, इसमें कुछ खराब होने वाला है ही नहीं, ना जाली है टूटने वाला, ना बिगर है टूटने वाला, पत्थर और लोहा सब अगर कीजिएगा तो नहीं होगा। अच्छा हम कहें ना 1,00,000 किलो पीसिए और पत्थर को चेंज कीजिए, बस यही इसका सिद्धांत है। अच्छा, और दूसरी बात, धंधा करने के लिए इससे बेहतर मशीन अभी आटा चक्की कोई नहीं। अभी तक मुझे लगता है कि जो अभी लेटेस्ट में चले मॉडल सबको मात देने वाली है मशीन, ये मार्केट सबका बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा, होता है ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता, अभी मान चलिए सवा शेर है, इसके बाद देखिए आगे क्या होता सर, है। सर आप को लाइव दिए हैं, धनिया भी लाइव दिए हैं, प्रोडक्शन भी लाइव दिए हैं, कहीं से भी कुछ ऐसा दिखा है कि हम लोग गलत किए? जी जी। ट्रांसपोर्ट क्या व्यवस्था होने वाली है? ट्रांसपोर्ट का कस्टमर का पैसा रहेगा। ट्रांसपोर्ट का कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ऑल ओवर इंडिया प्लस नेपाल। अच्छा, मेरे चैनल के थ्रू अगर कोई आता है उसको ऑफर या छूट? 500 से 1,000 रुपया, 35 बोले तो आपको 34,000 मिल जाएगा, 34,500 तक आराम से मिल जाएगा। रेट लगभग लोग मान के लिए आपको अब फिक्स होने वाला है। और जाते जाते मैं चाहूँ थोड़े सर, रेट फिक्स करने का कारण यही है जी कि कल कोई ये कस्टमर हमको नहीं बोले कि हमको कोई 35 में दिए है, ये ना कोई कहे कि हमको 32 में दिए है, ये ना कहे कोई 40 में दिए है। मैं जितना भी वीडियो जाएगा सब 35 में ही जाएगा और उतना में बेचबो करें जी जी। एक बार एड्रेस मेंशन कर दीजिए सर। अपना एड्रेस हो गया हाजीपुर जी, पटना से 20 किलोमीटर। अच्छा, रेलवे स्टेशन जंक्शन जो हाजीपुर है उससे 1.5 किलोमीटर, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर जी ठीक ना। और कोई भाई हमारे हाजीपुर में आएंगे वो मेरा आदमी रिसीव कर लेगा। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिनके एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जो भी भाई हमारे दूर से मशीन मंगाना चाहते हैं जी, तो हम बता देते हैं आपके चैनल के द्वारा,
कोई फ्रॉड गिरी हम नहीं करते हैं जी। बेधारक हमारे कंपनी का पैसा डालेंगे 25%, यहाँ से मशीन हम ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे जी। ठीक, जब मशीन वहाँ पहुंच जाएगा तो मेरा पेमेंट क्लियर कीजिए और मशीन निकाल जी। अगर आना चाहे आके भी और डायरेक्ट आके डेमो करके ले जाए, अगर आप आने में सक्षम है तो बेहतर होगा, आइए एक बिजनेस के साथ 75 बिजनेस यहाँ आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे। और फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, जिनके एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।